मैं जो भाषण दिए मैंने उसका मुझे इनकम शुरू हो गया जो मैंने कोविड के कार्य के लिए दे दिया करीब चार लाख रुपए महीना मुझे मिलना शुरू हो गया करीब चार लाख रुपए महीना मुझे मिलना शुरू हो गया esta? मैं जो भाषण दिए मैंने उसका मुझे इनकम शुरू हो गया जो मैंने कोविड के कार्य के लिए दे दिया करीब चार लाख रुपये महीना मुझे मिलना मनसुख भाई और सभी उपस्थित भाई और बहनों आपने आज का इस कार्यक्रम आयोजित करके हमें एक पॉजिटिविटी और हिम्मत भी देने का काम किया है कोरोना का संकट जो है वो पूरे विश्व पर है और हमारे देश पर भी आया है संकट कोई भी होता है तो संकट का एक बात यही है कि संकट का सामना करना पड़ता है और संकट पर जीत हासिल करनी होती है और जीत हासिल करने के लिए विजय प्राप्त करने के लिए अभी पूजनीय स्वामी जी बता रहे थे कि भगवत गीता इसमें जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया है मुझे इसका अनुभव इस समय मिला मेरे जीवन में कोविड के कारण दो तीन चेंजेस हो गए जिसका मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं रोज़ सुबह 25 मिनट पैदल चलता हूं और शाम को 25 मिनट पैदल चलता हूं। और संगीत और गायन सुनने के कारण मैं साथ में मोबाइल फोन पर यूट्यूब पर कर अनेक अनेक बातें सुनता हूँ और ऐसे ही करते करते मैं भगवत गीता भी सुनने लगा तो पहली बार मुझे दसी अध्याय और उसका पूरा विवेचन शांति से सुनने का मौका इस समय मिला तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी दूसरी बात यह हुई कि मैं मीडिया के बारे में सैवी नहीं था तो मैं ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था जबकि प्रधानमंत्री जी हमें बहुत आग्रह करते थे इसका महत्व बताते थे पर हमें वो जम नहीं रहा था इस समय मैंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करीब साढ़े नौ सौ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की और करीब एक करोड़ बीस लाख ट्विटर पर मेरे सहयोगी बने और आज यूट्यूब से तो ये एक बात ध्यान में आई और इसके ऊपर एक किताब जो लिखी वो प्रकाशित होने के पहले ही दस हज़ार किताबें उसकी अंग्रेजी में है वो पूरी ख़त्म हो गई तो एक नया अनुभव आया तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस संकट का हमको मुकाबला करना है एक छोटी सी बात है जो मेरे जीवन में मुझे याद है मैं विद्यार्थी था विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आया था 1980 का टाइम था अटल जी भी चुनाव हार गए पूरी परिस्थिति हमारी पार्टी की बहुत खराब थी तब सभी लोग निराश थे और जनता पार्टी के बाद इतना बड़ा पराभव हो गया था तो अब सब लोग कहते थे कि इस पार्टी को ना कोई फ्यूचर है ना अटल जी अडवाणी को कोई फ्यूचर है ये पार्टी खत्म हो गई इसका कोई रिलीवस नहीं है ऐसा पत्रकारों ने लिखना भी शुरू कर दिया था तो उस समय मैं भी थोड़ा सा निराशा तो मन में आती थी कि तो लोग कहते थे तुम अच्छे हो पर यह पार्टी अच्छी नहीं है इसमें तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं तो मैंने कहा जो भी है पार्टी हमारी है विचार हमारे हैं हम इसी के साथ जाएंगे तो उस समय मेरे एक मित्र ने जो आईआईटी इंजीनियर है अभी काफ़ी बड़े अमेरिका में है उसने मुझे एक किताब दी थी और वो किताब रिचर्ड निक्सन जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी जीवनी पर थी और उस जीवनी को उस समय वाटरगेट के कारण वो बहुत लोगों के नफरत का एक प्रतीक बने थे और उनको वाशिंगटन में एक एरिया में जगह देने के लिए भी लोगों ने इनकार कर दिया था इस प्रकार की उनकी प्रतिमा बनी थी और उस परिस्थिति में उन्होंने वो किताब लिखी थी उसमें एक सुंदर वाक्य था वाक्य ये था, था कि द मैन इज नॉट फिनिश वेन इज डिफिटेड बट ही इज फिनिश वेन क्विट्स आदमी कभी युद्ध में हारने के बाद समाप्त नहीं होता जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है और उस वाक्य ने जीवन में बहुत प्रेरणा दी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही प्रेरणा दी कि न्याय की लड़ाई है धर्म की लड़ाई है और ये लड़ाई करते हुए की भावना से आपको करना है ये समाज हित में है देश हित में है और भविष्य के इतिहास के हित में है तो आखिर जो संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था भगवत गीता के रूप में सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास इसका समाज में निर्माण करने की भरकस कोशिश करनी पड़ेगी निगेटिविटी निराशा फ्रस्ट्रेशन हताशता इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है चाहे हम हॉस्पिटल में जाएंगे समस्या है तो मुझे पहले दो बातें कि आप हमारे सब जगह पर हमको पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास समाज में सभी तबकों में निर्माण करने में हम जैसे आप जैसे प्रमुख लोगों के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से ये हासिल होगा दो तीन बातें जो मेरे ध्यान में आई जो इसमें से हम आत्मनिर्भर भारत बनते समय आरोग्य सुविधाओं के बारे में भी बनने की कोशिश कर रहे हैं पर इसमें दो बातें ध्यान में आई कि हमारी हेल्थ सर्विसेज को जब संकट गहरा आया है तो वो पर्याप्त नहीं है इसमें और कुछ काम करने की आवश्यकता है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है पहला जो था हमारे हमारे जो हॉस्पिटल्स थे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंड है तो आप सब लोगों को ये प्रयास करना है कि 50 बेड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के साथ हवा से ऑक्सीजन अपने हॉस्पिटल में तैयार करें और उसी के ऊपर वो चले ताकि ये ऑक्सीजन के कारण कभी दिक्कत ना आए हमारे यहाँ ये दिक्कत आई थी जिसके कारण काफ़ी बड़ी समस्या आई थी तो मुझे लगता है कि ये काम हम बड़े प्रमाण पर करें और इसके लिए बहुत अच्छा काम समाज में सभी सेवाभावी लोगों ने किया है तो ये अगर हॉस्पिटल अगर सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे तो भविष्य में तीसरी बार कोविड की लड़ाई आएगी ऐसा कहते हैं चौथी आएगी अब मुझे पता नहीं पर थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इसके अनुसार आज हमको ये ऑक्सीजन के लिए करना पड़ेगा हमने हमारे यहाँ करीब 30-35 करोड़ के सी में से लोगों से मांग कर हॉस्पिटल को प्लांट दिलाए और काफ़ी प्लांट खड़े हो गए कल ही मैंने यहाँ वर्धा ज़िले में देवड़ी में एक स्टील वालों ने बड़ा प्लांट डाला उसका इनोग्रेशन किया तो ये ऑक्सीजन की परिपूर्णता हर ज़िला ऑक्सीजन में स्वावलंबी बने और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन की जो सिस्टम है जिसमें दो प्रकार के ऑक्सीजन हम लेते हैं एक स्टील फैक्ट्री में जैसे हमारे यहाँ भिलाई है राउरकेला है बो, बोकारो जो कहते हैं हम लोग या अंगुल है या अपने कर्नाटक में अपना बेल्लारी है या रायगढ़ डोली करके वो प्लांट है स्टील प्लांट में बाय प्रोडक्ट करके ऑक्सीजन निकलता है अभी करीब साढ़े छः हज़ार सात हज़ार टन हमारे स्टील मिनिस्ट्री ने इस संकट के समय ये ऑक्सीजन देश को दिया है इसके कारण हमारी जान बची है तो ये ऑक्सीजन तो हमारा स्पेयर में है ही और उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और इसलिए उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अभी हमने चिंता की है कि ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक्स कैसे मिलेंगे क्योंकि जब हमको पानी चाहिए तब कुआ खोदने में मज़ा नहीं होती तो हमने जो हमारे डिपार्टमेंट की ओर से निर्णय किया कि जो एलपीजी के ट्रक है वो तीन बार नाइट्रोजन से धोने के बाद वो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए यूज़ होंगे और अब क्रायोजेनिक टैंकर्स है ये है ये सब बड़े प्रमाण पर देश में हो इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी जब वाइस चांसलर सब उपस्थित है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ ये जो एयर टू ऑक्सीजन बनता है इसके लिए जो विशेष रूप से टेक्नोलॉजी है उसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए हमने जीवलाइट मॉलिकुलर सीव मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं और स्वदेशी विचार मंच को मैं प्रार्थना करूंगा कि हर चीज़ में भारत को स्वयं पूर्ण करना आत्मनिर्भर करना यही हमारा मकसद है ये पूरी तरह से हमारा इम्पोर्ट होता है ये प्लान के लिए और इसका भाव तीन सौ रुपये चार सौ रुपये किलो था तो यूरोपियन कंपनियों ने इसका भाव सात सौ रुपये किलो कर दिया और इसमें जो हमारी लिथियम है उससे भी ये बनता है पर उसकी कॉस्ट दो हज़ार रुपये किलो आती है तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारा रिसर्च ये जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए जियोलाइट मॉलिकुलर सीव मेम मेंगर, है इसका रिसर्च करके इसके ऑप्शन को लेकर आए ताकि हमारे देश में बड़े प्रमाण पर ये हो और इसलिए निश्चित रूप से अभी हमने रशिया से डीआरडीओ हमारा मंत्री विभाग है जिसके रेड्डी करके सेक्रेटरी है और हम हमने कोशिश की सरकार ने और उसमें से साढ़े तीन सौ टन हमने रशिया से इंपोर्ट किया है और ये प्लांट अब बड़े प्रमाण पर बनकर एन एच आई के तरफ से हम का सिविल का काम जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वगैरह हम हमारे तरफ से भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मिल जाएगा पर इसका रिसर्च करके ये क्या हो सकता है ये देखिए